लेकिन जलील कर कर उनको बुलाया जा रहा है। ठीक है, अच्छा एक चीज यहां पर एक और गिल्ट फील करवाती हूं भैया, अब तुम गिल्ट में ही रहो। ठीक है, एक माँ का एक ही एक बेटा है। ठीक है, उस माँ से पूछो, जिस माँ ने जब ये सुना होगा तुमने उसके बच्चे के लिए ये बोला है, उस माँ ने मुंह से कुछ नहीं बोला होगा, आंखें भराई होंगी, दिल से बदुआ निकली होगी तुम्हारे लिए। तुम भी एक माँ हो, ठीक है, तुम बताओ तुम अपने बच्चे के लिए किसी के लिए सुन सकती हो तो क्यों किसी के बच्चे के लिए कहना, तो तुम्हारे मुंह से अल्फाज क्यों नहीं निकलते हैं किसी के बच्चे के लिए, किसी के पिता के लिए, दुआएं देने के लिए। भगवान लंबी उम्र करे, हम लोग तो यहीं से बोलते नजर आते हैं हमेशा से ही कि देखिए अगर आपको सेपरेट भी होना है तो साइलेंटली अब हो जाइए, बहुत हो गया। लेकिन एक गलत मैसेज, एक रॉन्ग मैसेज यहाँ पर मत दीजिए, है ना भाई। उस माँ ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, उस बहन ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, लेकिन ये फैमिली जो है सोशल मीडिया पर ऑलरेडी है, सारी की सारी फैमिली है सोशल मीडिया पर, और सोशल मीडिया पर जो इन्होंने मतलब धोया है ना अच्छे से, वो चीज़ें सब लोगों ने देखी हैं। अगर तुम आ जाई हो, चीज़ें तुम्हें क्लियर नहीं है, दुनिया पागल नहीं है, इसी वजह से ना उसके सपोर्टर ना उसके सपोर्टर दोनों तुम्हें मतलब कि यस करते हुए नजर नहीं आते, तुम्हारे साथ एग्री करते हुए नजर नहीं आते, क्योंकि चीजें बिकॉज तुम्हें क्लियर नहीं है। रिचुअल्स वो लड़की नहीं निभाना चाहती, ठीक है, नन्नू जीजा है वो झुकना भी नहीं चाहता, वो भी नहीं जाना चाहता, लेकिन एक माँ को फोर्स किया जाता है कि भैया तुम जाओ और जाकर अपने बच्चे को और पोते को लेकर आओ। क्यों? यहाँ पर उस लड़की को एक और गिल्ट यहाँ पे फील करवाती हूँ मैं। तुम बताओ मुझे एक चीज, अगर तुम्हारी माँ को तुम्हारा भाई जा सॉरी भाभी जो है वो ऐसे ऑनलाइन इनवाइट करे सोशल मीडिया के थ्रू, माता जी आप आइए, आप आकर मुझे लेकर जाइए, कहाँ तक ठीक है? तो यहाँ पर अगर कह रही हैं कि उनकी माता जी पर होल्ड नहीं है, अंकू जीजा का अपनी माँ पर होल्ड नहीं है, अरे वाह, तो मतलब डीजे मैया का होल्ड है अपनी बेटियों पर, तो वो क्यों नहीं कहती बहन जी आइए आप इनवाइटेड हो? यहाँ पर 2 साल में एक बार भी उनको इनवाइट नहीं किया गया, लेकिन जलील कर कर उनको बुलाया जा रहा है। ठीक है, पति पत्नी के झगड़े में, जीजा साली के झगड़े में, सास जवाई के झगड़े में, ठीक है, यहाँ पर मोटू बिटिया सांडू भाई के झगड़े में कौन पिस रहा है? वो दो बेचारे, यानी कि एक माँ और एक नंद, जिन्होंने अरे जो नॉर्मल बातें होती है ना सास नंदों वाली, अगर वो कभी हुई भी है ना, तो यहाँ पर तो मतलब कहती हूँ कि देखिए वो भी बुरे सब बुरे, और जिन्होंने बुरे वक्त में साथ दिया, यानी कि मैया के मायके वालों ने, वो भी आज सगे नजर आए हैं, एक दुख में खड़े होते नजर आए हैं अंकु जीजा के यहाँ पर। तो यहीं से पता लग जाता है सही गलत का फर्क, तो गलत को गलत बोले, सही को सही बोले। ठीक है, ये तमाशे है भैया आजकल के, खुद के अपने आप को अच्छा कहने वाले लोगों को लानत भेजती हूँ मैं ऐसे लोगों पर। ठीक है, जो अपने ही परिवार को संभाल कर ना चल सके, अपने ही परिवार की बातें, अपने घर की बातें घर में ना रख सके, यहाँ पर इतने समझाने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन हम लोगों को ये है कि चलिए एक फैमिली तो नहीं, पता नहीं कितनी फैमिलियों को यहाँ से समझ आ जाएगी। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब लड़कियाँ मुझे पर्सनली इंस्टा पर ये लिखती हैं कि डिंपल जी आपकी वजह से आज मेरा थोड़ा गुस्सा शांत रहा है, जहाँ मैं अपने हस्बैंड को समझ पाई हूँ, जहाँ मैं अपने मतलब की बातों को इग्नोर कर पाई हूँ, तो उससे लगता है कि पता नहीं कितनों की दुआएं मेरे को लग गई हैं, मेरे फैमिली को लग गई हैं, और पता नहीं कितनों ने मेरे फेस पर स्माइल दे दी है सिर्फ एक कमेंट से, पर्सनली एक मेरे को मैसेज देने से। ठीक है, यहाँ पर दुआएं लीजिए। आज की तारीख में हर कोई कोविड के टाइम से अभी निकला है, परेशान है, किसी ना किसी तरीके से सब घरों में परेशानियां हैं। ठीक है, तो कोशिश करिए हर किसी को मतलब जो आपके आसपास हैं उनको खुशी देने की कोशिश करिए, अगर आप YouTube पर हो, सोशल मीडिया पर हो, यहाँ पे से भी खुशी देने की, ठीक है, एक हंसी देने की, ना कि यहाँ से आप नेगेटिव वे में बात करें, ना कि आप यहाँ से हेट फैलाएं। जो लोग मुझे बोलते हैं ना नेगेटिव बोलते हो, हेट फैलाते हो, वो ये लास्ट वाला थोड़ा सा ज्ञान सुन लिया करो,
अगर हम लोग आपको क्वेश्चन नहीं बताएंगे तो फिर आंसर सुनने के लिए वेट तो करा करो, पहले क्वेश्चन बोला जाता है फिर ही आंसर आता है। ठीक है, आई होप वो लड़की भी समझ गई होगी, परमात्मा उसको भी सद्बुद्धि दे, उसके बच्चे को लंबी उम्र दे और उसका और उसके हस्बैंड का साथ हमेशा बनाए रखे, आपस में प्रेम प्यार से वो लोग रहे। ठीक है, और यहाँ से भी यही कहना चाहते हैं कि नन्नू जीजा ने अगर गलती की है कि ऐसे किसी को वॉइस मैसेज करने की, ऐसे किसी से वॉइस मैसेज पे बात करने की, ठीक है, तो गलती उस लड़की ने भी की है कि उसने अपना सारा कुछ हाइड कर दिया, अपने वॉइस मैसेज सारे हाइड कर दिए, उसने वहाँ पर ये बिल्कुल नहीं बताया कि तुमने कौन से क्वेश्चन पुट किए थे नन्नू जीजा से, जिसके रिप्लाई में तुमसे ये बात हुई। वहाँ पर नन्नू जीजा जो है अपनी वाइफ को भी अच्छा बोलते हुए नजर आए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग भी प्रीतो को अच्छा ही बोलते हैं और लाइलग वर्ड जो उन्होंने यूज किया वो हम भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर पुत्तन परी जो है वो अपने माइंड से बिल्कुल नहीं चली है। किसने कीचड़ फुलाया, किसने यूट्यूब यूट्यूब खेला, किसने इंटरनेट खेला, ये सब वर्डिंग यूज हुई है, किन किन के पास शॉर्ट वीडियो के रूप में पड़ी है। ठीक है, अगर किसी को वो देखनी है तो सर्च करें, सामने आ जाएंगी। ठीक है, यही था मेरा आज का वीडियो, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। तो कल के वीडियो में बात करेंगे थोड़ी सी मोटू पिटिया के पेरेंट्स के ऊपर भी, जिनके पेरेंट्स ने खुद से बोला था ये वाली बात कि हमने अपने बेटे को बिटिया बनाकर विदा किया है दान दहेज के साथ। तो मतलब वहाँ सास बुरी, ससुर भी बुरे, सब बुरे, वहाँ पे भी तो होना चाहिए ना, सिर्फ उंगली इन्हीं की और क्यों उठती है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल एक अच्छे से वीडियो के साथ, जब तक लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।